So we are doing Act 5, Scene 3 today, and we are actually revising the scene once again. और ये सीन वो है जिसमें कैशियस जो है वो सुसाइड कर लेता है. ओके, सो दिस सीन एक्चुअली सिग्निफाई डेथ ऑफ कैशियस. ओके, नाउ एक्चुअली जो कैशियस का डेथ जो है दैट इज अ रिजल्ट ऑफ अ मिसअंडरस्टैंडिंग. उसका डेथ होना नहीं चाहिए, पर वो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण उसको ऐसा लगने लगता है कि दैट ही इज गोइंग टू लूज द बैटल. नाउ एज यू ऑल नो कि मार्क एंथनी ने पहले ही ऑक्टेवियस को बोला था कि यू एक्चुअली डोंट टेक ऑन ब्रूटस, ठीक है, यू टेक ऑन कैशियस. उसने उसको बोला था लेफ्ट साइड से लड़ो, ठीक है, एंड आई विल टेक ऑन ब्रूटस. तो कहीं ना कहीं मार्क एंथनी को यह बात पता था कि ब्रूटस इज अ वेरी फॉर्मिडेबल ओपोनेंट, ठीक है. तो ऑक्टेवियस उसका बात सुनता नहीं है और ऑक्टेवियस ही टेक्स ऑन ब्रूटस. ऑब्वियसली ब्रूटस तो इतना पुराना जनरल है एंड इज वेल एक्सपीरियंस विद वॉर एंड एवरीथिंग, ठीक है, तो वो ऑक्टेवियस को हरा देता है, ठीक है. यहां पर ब्रूटस से एक गलती हो जाता है कि एज सून एज ही फाइंड्स अ लिटिल बिट ऑफ ओपनिंग, ठीक है, उसने क्या करता है, वो फटाफट मिसाला को बोलता है कि ब्रिंग ऑल द आर्मी टुगेदर, मोस्ट ऑफ द आर्मी, एंड अटैक ऑक्टेवियस एट द सेम टाइम. ओके, तो बहुत सारी आर्मी जो है उनका मूवमेंट चालू हो जाता है टूवर्ड्स ऑक्टेवियस, ठीक है. बट कैशियस जो है उसको तो ये ऑर्डर के बारे में पता ही नहीं था, तो उसको ऐसा लगता है कि उसकी आर्मी बैटल छोड़ के भाग रही, ठीक है. और कैशियस का जो माइंडसेट है वो भी बिल्कुल नेगेटिव है. उसको ऐसा लग रहा है कि वी कैन नेवर विन अ वॉर, ठीक है, माने वो पेसिमिस्टिक है. तुम देखा होगा उसने क्या नाम है, अब तो वो प्रोफेसी पे भी यकीन करने लग गया, ठीक है, वो तो ओमेंस पे भी बिलीव करने लग गया. तो कहीं ना कहीं वो मेंटली प्रिपेयर्ड है कि हम ये बैटल नहीं जीत सकेंगे. ओके, तो जब सिचुएशन कुछ ऐसी हुई कि उसकी आर्मी भागने लगी, ठीक है, और एक सिचुएशन ऐसा आया, अब आपको तो ये भी पता है कि ब्रूटस एक्चुअली डिफीटेड ऑक्टेवियस सीजर, है ना, ब्रूटस ने तो हरा दिया था ऑक्टेवियस सीजर को, ठीक है. तो जब ब्रूटस की आर्मी सेलिब्रेट कर रही थी, ठीक है, टिटिनियस के साथ में, तो उसको ऐसा लगा कि एंथनी की आर्मी ने टिटिनियस को कैप्चर कर लिया, ठीक है. सो देयर वाज लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग और वो लोग एक जीतता हुआ बैटल हार गए, ठीक है. तो कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि कभी कभी आपका माइंड सेट ही आपको जिताता है और हराता है, ठीक है. जब आपका माइंडसेट ही नेगेटिव हो जाएगा तो आप कभी भी कुछ भी नहीं जीतोगे, है ना. मैं ये एग्जांपल असल में बहुत सारे बच्चों को देता हूं कि बच्चे बोलते हैं सर हमारा मैथ्स बहुत वीक है, मैथ्स हमसे नहीं होगा. तो मैथ्स इज आल्सो ऑल अबाउट माइंडसेट, ठीक है. मैं ये सब बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, जिस टाइम आप ये सोच लेते हो कि मैथ्स डिफिकल्ट है, मैथ्स हमसे नहीं होगा, तो मैथ्स आपसे कभी नहीं होगा. लेकिन अगर आप ऐसे सोचोगे अरे मैथ्स तो इजी सब्जेक्ट है हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, मैथ्स आपका तुरंत हो जाएगा. मैथ्स में ऐसा कोई भी डेंजरस बात नहीं है, ठीक है. तो सब बात जो है वो माइंडसेट की है. तो यहां पर भी कैशियस का नेगेटिव माइंडसेट जो है, पेसिमिज्म जो है, वो उसको मरने के लिए मजबूर कर देता है. अंडरस्टूड? सो लेट्स गो इनटू द सीन और हम लोग देखें, ठीक है. तो जूली यू कैन रीड कैशियस एंड मृदुल कैन रीड टिटेनियस और मैं दोनों को एक एक करके एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ठीक है. चलो लेट्स स्टार्ट विद जूली, रीड. Scene 3, Philippi, another part of the field. Alarums, enter Cassius and Titinius. Cassius, oh look, look, the villains fly. If myself have to mine own turned enemy. This ensign here of mine was turning back. I slew coward and did take it from him. So Cassius bol raha hai, oh look, Titinius, look, the villains fly. So bol raha hai, dekho, villains jo hain, wo yahan se bhag rahe hain, theek hai. Myself have to mine own turned enemy. और बोल रहा है कि मुझे अब मैं अपने ही टीम का एनिमी बन गया हूं, ठीक है. I have become my own men's enemy. क्योंकि यहां पर कैशियस को क्या लग रहा है कि उसकी जो आर्मी है वो भाग रही है. एक्चुअली उसकी आर्मी भाग नहीं रही थी, उसकी आर्मी ब्रूटस का कमांड सुन रही थी. They were actually charging towards Octavius. और उसको लगा कि वो लोग मैदान छोड़कर भाग रहे हैं बिकॉज ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रूटस, ठीक है. तो बोला दिस एनसाइन हियर ऑफ माइंड वाज टर्निंग बैक. एनसाइन का मतलब है फ्लैग बेयरर. तो मेरा ये जो फ्लैग बेयरर है ये भाग रहा था एंड आई स्लू द कावर्ड और मैंने उसको मार दिया. तुमको पता है बैटल फील्ड से अगर कोई भागता है तो उसको कावर्ड ही समझा जाता है. तो मैंने उसको मार दिया एंड आई टुक द फ्लैग फ्रॉम हिम. तो दिस इज अ शियर केस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग. ब्रूटस ने बोला कि सब लोग ऑक्टेवियस पे अटैक करो, तो जो उनको कमांड मिला दे वेर एक्चुअली मोबिलाइजिंग द ट्रूप टूवर्ड्स ऑक्टेवियस, पर इसको लगा कि ये लोग भाग रहे और ये अपने ही लोगों को मारने लगा. A classical case of misunderstanding. Mridul, you can switch on your video and read. Titinius. Titinius. O Cassius, Brutus gave the word too early. Who, having some advantage on Octavius, took it too eagerly, his soldiers fell to spoil.
Whilst we by Antony, we whilst it whilst we whilst by we Antony. whilst we by Anthony are all enclosed, ठीक है, एंटर पिंडारस. नाउ टिटिनस बोलता है वो कैशियस, ब्रूटस गेव द वर्ड टू अर्ली. ब्रूटस ने बहुत जल्दी कमांड दे दिया, ठीक है, उसको ऑक्टेवियस के ऊपर थोड़ा सा एडवांटेज हो रहा था. हु हैविंग सम एडवांटेज ऑन ऑक्टेवियस टुक इट टू ईगरली. उस बहुत ईगर हो गया और उसने जल्दी से कमांड दे दिया. हिज सोल्जर्स फेल टू स्पॉइल व्हाइल वी एंथनी आर ऑल एंक्लोज्ड. पर उसके जो सोल्जर है वो लूटपाट करने लगे और हम लोग को यहां पर एंथनी ने चारों तरफ से घेर लिया है, ठीक है. तो एक टीम जो है वो ऑक्टेवियस की तरफ मूवमेंट कर रही थी, पर दूसरी टीम वीक हो गई बिकॉज उनके मोस्ट ऑफ द सोल्जर्स वो चले गए ऑक्टेवियस से लड़ने के लिए, ठीक है. और उसके बाद तुम आर्मी को जानती है, उनको जब लूटपाट करने का मौका मिलता है वो लोग करते ही हैं, ठीक है. तो दे स्टार्टेड टू दे फेल टू स्पॉइल. समझ में क्या स्पॉइल, स्पॉइल मतलब लूट करना, ठीक है. चलो एंटर पिंडारस. यस रीड. Fly further off, my lord. Fly further off. Mark Antony is in your tents, my lord. Fly therefore, noble Cassius. Fly far off. अब ये पिंडारस जो है ये एक्चुअली कैशियस का सर्वेंट है, स्लेव है, ठीक है. तो ये यहाँ पर बोला भागो भागो भागो, फ्लाई फादर ऑफ माय लॉर्ड, फ्लाई फादर ऑफ, मार्क एंथनी आपके टेंट में घुस गया है माय लॉर्ड, और कैशियस आप यहाँ से भागो वरना वो आपको पकड़ लेगा, ठीक है. चलो कैशियस. Cassius. This hill is far enough. Look, look, Titinius. Are those my tents where I perceive the fire? तो कैशियस बोल रहा हम लोग तो पहले ही भागे हुए हैं, तू क्या भागने को बोल रहा है. हम लोग जिस हिल में खड़े हैं ये ऐसे ही बहुत दूर है. तो इससे समझ में आता है कि बैटल फील्ड के टाइम पे कैशियस इतने दूर हिल में कर क्या रहा है ना. ही शुड बी इन द बैटल फील्ड. तो वो तो पहले से ही भागा हुआ है, तो उसको बोल रहा भागेगा क्या, ऑलरेडी तो हम लोग बहुत दूर है, ठीक है. फिर बोल रहा है देखो अदर साइड में, देखो वो जो टेंट में आग लगी हुई है क्या वो हमारी टेंट है, ठीक है. आर दोज माई टेंट्स वेयर आई परसीव द फायर. वो जो हम लोग को दूर दिख रहा है, आर दोज आर टेंट. टिटीनियस They are, my इनमें lord. दे आर माई लॉर्ड. यस ये हम लोग के ही टेंट है. चलो कैशियस. Cassius, Titinius, if thou lovest me, mount thou my horse and hide thy spurs in him, till he have brought thee up to yonder troops, and here again, that I may rest assured whether yon troops are friendly or enemy. ओके तो कैशियस यहाँ टिटीनियस को बोल रहा है कि इफ दाउ लव मी. नाउ ये बात समझना, टिटीनियस जो है वो कैशियस का बहुत अच्छा फ्रेंड है, एकदम लॉयल है, ट्रू फ्रेंड है, और वो उसको बहुत प्यार करता है, ठीक है. तो टिटीनियस को बोलता है, कैशियस टिटीनियस को बोल रहा है, इफ दाउ लव मी, अगर तुम मुझे प्यार करते हो, माउंट दाउ माई हॉर्स, तुम मेरा घोड़ा लो, हाइड दाई स्पर्स इन हिम, ठीक है. इसको पेट में मारो. स्पर का मतलब जब हम लोग घोड़े को चलाना होता है तो हम लोग उसके पेट पे एक लात मारते हैं जिससे वो घोड़ा आगे बढ़ता है. तो उसी को स्पर बोल रहा है कि उसके घोड़े पे पेट पे तो स्पर मारो, ठीक है, लात मारो उसके पेट में, टिल ही हैव ब्रॉट दी अप टू द योंडर ट्री ट्रूप. जब तक वो तुमको उस वहां तक उस ट्रूप्स के पास नहीं ले जाए. योंडर का मतलब होता है फार. तुम मेरे घोड़े को ले जाओ, तेजी से जाओ और वहां पर जाके चेक करो, एंड हियर अगेन, और वहां पर देख कर वापस आ जाना. एंड दैट आई मे रेस्ट अश्योर्ड वेदर योन ट्रूप्स आर फ्रेंड्स और एनिमी, एंड ब्रिंग मी वर्ड्स कि वो जो दूर में जो ट्रूप्स हैं वो हमारे दोस्त हैं या हमारे दुश्मन हैं. एक्चुअली इसको श्योरिटी नहीं है कि वहां पर जो है क्या वो एंथनी वहां पहुंच गया है. वो जो लोग हैं वो कौन है, हमारे लोग हैं कि तुम्हारे लोग हैं, उसको यहाँ पर बिल्कुल पता नहीं है. ओके तो वो बोला जाके एक बार चेक करके आओ सो दैट हम लोग कंफर्म हो जाए. ओके माने यहाँ पर हम लोग को ये भी दिखता है कि शायद वो पिंडरस की बात से पूरा यकीन नहीं रखता. ही इज नॉट वेरी श्योर अब व्हाट पिंडरस इज सेइंग, ठीक है. चलो टिटीनियस. I will hear even without a thought. Even with a thought, I mean. तो यहाँ टिटीनियस बोल रहा है आई विल बी हियर अगेन इवन विद अ थॉट, मतलब आई विल बी क्विकर देन यू कैन थिंक अ थॉट. तुम सोचोगे उससे पहले मैं वापस आ जाऊं, ठीक है. चलो यहाँ पर अब कौन बच गया, यहाँ पे कैशियस और पिंडारेस ये दोनों बच गए, ठीक है. चलो कैशियस. Cassius, go Pindarus, get higher on that hill. My sight was ever thick. Regards, Titinius. And tell me what thou knowest about the field. तो कैशियस बोल रहा है This पिंडारस day, को ओके अच्छा आगे आगे रीड कर लो, कोई बात नहीं. हाँ दिस डे I breathed first. Time is coming round, and where I did begin, there shall I end. My life is run, is compass. Sirrah, what's new? What news? तो कैशियस बोल रहा है गो पिंडारस गेट हायर ऑन दैट हिल. तो पिंडारस को बोल रहा है तू इस हिल के और ऊपर, ऐसे ही ऑलरेडी वो लोग बहुत दूर है, बोल रहा और ऊपर जा,
माई साइट वॉज एवर थिक, और आई मेरी आई साइट जो है वो बहुत खराब हो गई है दूर की, ठीक है, मायोपिया है मेरे को, आई कैन नॉट सी लाइक फार ऑफ, ठीक है. रिगार्ड टिटीनियस मैंने वॉच टिटीनियस एंड टेल मी व्हाट दाउ नोट अबाउट द फील्ड, और मुझे आंखों देखा हाल बताओ, ठीक है, गिव मी योर क्लियर विजन व्हाट यू आर सीइंग. तुम टिटीनियस को फॉलो करते रहो और देखो टिटीनियस क्या कर रहा है, और मुझे पूरी न्यूज चाहिए, टिटीनियस क्या कर रहा है, कहाँ पहुंचा, क्या कर रहा है, गिव मी ऑल द न्यूज. जब पिंडारस चला जाता है तो वो अपने आप से बात कर रहा है कि दिस डे आई ब्रीद इट फर्स्ट, टाइम इज कम राउंड एंड वेयर आई डिड बिगेन देयर सेल आई एंड. तो देखो यहाँ पर शियर पेसिमिज्म दिख रहा है, और आज मेरा बर्थडे था और आज ही मेरा हैप्पी बर्थडे भी होगा, ठीक है, तो आज ही मैं बॉर्न हुआ और आज ही मैं मरूंगा, ठीक है. तो ये तो अपने मेंटल सोच के बैठा हुआ है कि मुझे मरना है, समझ गया. जब आप मेंटली फटीग्ड हो गए, जब हार मान लिए, तो आप बचोगे थोड़ी, ठीक है. बोला माई लाइफ इज रन हिज कंपास, माने माई लाइफ हैज रन इट्स फुल सर्कल, ठीक है, पूरा टाइम मेरा आ गया और आज मैं मरूंगा. उतना देर में पिंडारस नीचे आ जाता है और वो उससे पूछता है, सिरा माने सर, माई बॉय, व्हाट इज द न्यूज, क्या न्यूज देखा तुमने टिटीनियस के बारे में. चलो पिंडारस, ओ माय लॉर्ड, हाँ गुड 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 जूली, क्या कैरेक्टर में पड़ी एकदम बढ़िया. ओ माय लॉर्ड, एज इफ ही वाज रियली क्राइंग, वेरी नाइस, बहुत अच्छा. कैशियस, कैशियस डर के मारे बोला व्हाट न्यूज व्हाट न्यूज. ये पिंडारस भी अजीब सा आदमी है यार, ये भी एकदम पेसिमिस्टी आदमी है, ये बुरा ही खबर लेके आता है. और इसने कैशियस को मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, ऐसे इसका मालिक परेशान है, इसको और परेशान, ओ माय लॉर्ड क्या हो गया, माय लॉर्ड ओ हो, सर पीट रहा अपना, ठीक है. तो कैशियस बोला क्या हुआ क्या हुआ. पिंडारस, Titinius is पिंडारस, enclosed around. अच्छा, wait, who is supposed to say? मृदुल Pindarus. मृदुल मृदुल Titinius is enclosed round about with horsemen that make to him on the spur. Yet he spur on. Now they are almost on him. Now Titinius, now some light. Oh, he lights too. He is ta'en. And hark, they shout for joy. नाउ यहाँ पिंडारस का जो इंटरप्रिटेशन है वो बिल्कुल ऑपोजिट इंटरप्रिटेशन, ठीक है. पिंडारस ने क्या देखा कि इसकी टीम जीत रही है, मैंने उसने देखा कुछ और इंटरप्रेट, मैंने देखा जो भी, उसको रॉन्ग इंटरप्रेट किया. उसने एक्चुअली क्या देखा, जब टिटीनियस उस कैंप में पहुंचा तो उस कैंप के जो लोग थे वो कैशियस के आदमी, ठीक है, एंड दे हैव एक्चुअली वन ओवर ऑक्टेवियस, तो वो लोग खुश थे कि हम लोग जीत गए. तो जब उन्होंने टिटीनियस को देखा तो दे आर वेरी हैप्पी, मतलब टिटीनियस उनका एक तरह से कमांडर था, एक तरह से कैप्टन है उनका, ठीक है. तो कैप्टन को देख के टीम पूरी एक्साइटेड हो गई. तो जब वो हॉर्स पे आ रहा था तो बहुत सारी टीम भी उसके संग, हॉर्स के संग लेकर जा रही थी स्पीड में, एंड दे वर ट्राइंग टू टेल हिम कि कैप्टन कैप्टन वी हैव वन कैप्टन, है ना. और फिर जब वो लोग खुशी में जा रहे थे तो पिंडारस का भी हॉर्स तेजी से जा रहा था, ये वर भी एक्साइटेड थे, चिल्ला चिल्ली हो रहा था, जॉय के लिए चिल्ला रहे थे. फिर जब वो जब टिटीनियस रुका तो वो लोगों ने उसको हॉर्स से उतारा, खुद भी हॉर्स से उतरे, एंड दे स्टार्टेड टॉकिंग क्या हुआ, हम कैसे जीते, ये सारा चीज पिंडारस देख रहा था. पर इसने उसको टोटल इंटरप्रिटेशन रॉन्ग किया. उसने क्या बोला, टिटीनियस जा रहा था और उसको पीछे कुछ सारे हॉर्स लोग उसके पीछे लग गए, ठीक है. फिर उन हॉर्सों ने टिटीनियस को सराउंड कर लिया, फिर उन हॉर्सों ने टिटीनियस को घोड़े से नीचे उतारा और उसको उन्होंने कस्टडी में ले लिया. अंडरस्टूड, दूर से एक्चुअली दिख ही रहा है, पर अगर आप सामने होते तो कुछ अलग चीज है, दूर से कुछ अलग चीज है कि नहीं. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्रिकेट मैच देखते हो, ठीक है, और बॉलर एक विकेट लेता है तो विराट कोहली चीखने लगता है ना, तो जिसको कोई क्रिकेट समझ में नहीं आता उसको लग रहा होगा ये लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं, है ना, विराट कोहली क्यों चिल्ला रहा है, क्या हो गया विराट कोहली को, ही इज एक्साइटेड क्योंकि विकेट मिला, पर सबको लग रहा है कि लगता है कुछ हुआ है इसके लिए विराट कोहली चिल्ला रहा है ना, ही इज इन पेन, क्यों तकलीफ हो रहा है विराट कोहली को, है ना, व्हाई इज ही स्वेयरिंग, ठीक है. तो अगर आपको वो चीज समझ में नहीं आ रहा, आप उसका इंटरप्रिटेशन पूरा उल्टा कर देते हो. तो पिंडारस तो वैसे भी अपना मालिक का ही बेटा है, तो वो भी सारा चीज गलत ही बता रहा है पिंडारस को. तो उसने कैशियस को बोला, टिटीनियस इज एनक्लोज राउंड अबाउट विथ हॉर्समैन, टिटीनियस को चारों तरफ से घोड़े ने घेर लिया है, दैट मेक्स हिम ऑन द स्पर, और इसके कारण टिटीनियस और तेजी से भाग रहा है, ठीक है, येट ही स्पर्स ऑन, ठीक है, और उन्होंने घेर के सब बहुत तेज घोड़ा भाग रहा है, नाउ दे आर ऑलमोस्ट ऑन हिम, लेकिन अब उन्होंने उसको पकड़ लिया है, नाउ टिटीनियस नाउ सम लाइट मतलब डिसमाउंट, अब वो अपने हॉर्स से उतर गया है, ओ ही लाइट्स टू, ठीक है. तो सब लोग घोड़े से उतर गए और फिर उन्होंने टिटीनियस को भी घोड़े से उतार लिया, एंड ही इज टेकन, और उन्होंने उसको कस्टडी में ले लिया है, एंड हार दे शाउट फॉर जॉय, और उसको पकड़ के वो लोग सब चिल्ला के खुश हो रहे हैं. यहाँ पर हुआ कुछ अलग, उन्होंने उसको उतार के सराउंड कर लिया, एंड दे वर सेलिब्रेटिंग कि कैप्टन वी हैव वन कैप्टन वी हैव वन.
पर इसने इंटरप्रिटेशन पूरा उल्टा कर दिया। ठीक है चलो कैशियस, कम डाउन बिहोल्ड नो मोर ओ कावर्ड दैट आई एम टू लिव सो लॉन्ग टू सी माय बेस्ट फ्रेंड टेकन बिफोर माय फेस। हाँ तो कैशियस उसको बोला नीचे आ जा भाई और मत देख, ठीक है, और मैं एक बहुत बड़ा कावड़ हूं जो अपने फ्रेंड को लाइव पकड़ता हुआ देख रहा हूं लेकिन जा नहीं रहा लड़ने के लिए। अरे तेरे फ्रेंड को पकड़ लिया, तू भी जा लड़ने, ये खाली ज्ञान ही दे रहा है क्यों मेरे होते हुए मेरे फ्रेंड को पकड़ लिया। अरे जा फाइट कर जाके, पहले तो जाके हिल में बैठ गया है ना, वो बोला भागो भागो, बोला बहुत दूर है हम लोग, क्या भागे, अब बोला मेरे फ्रेंड को पकड़ ले तो लड़ ले भाई, तू बैटलफील्ड में करने क्या है, ठीक है, लेकिन लड़ने भी नहीं जा रहा, यहाँ बैठा बैठा बोला ओ मेरे फ्रेंड को मार दिया, तो रिवेंज ले, रिवेंज भी नहीं ले रहा है, अपने आप को मारे, किस तरह का कैरेक्टर है ये। ठीक है टू सी माई बेस्ट फ्रेंड टेकन बिफोर माई फेस, ठीक है आगे। Pindarus descends. Come hither, sirrah. In Parthia I did take thee prisoner, and then I swore thee saving of thy life, that whatsoever I did bid thee do, thou shouldest attempt. Now come, attempt it. Come now, keep thine oath. Now be a freeman, and with this good sword that ran through Caesar's bowels, search his bosom. Stand not to answer here. Take thou the hilts, and when my face is covered as it is now, guide thou the sword. Pindarus stabs him. Caesar, thou art revenged, even the sword that killed thee, ओके and then dies. तो कैशियस बोल रहा है कम हिदर सिरा, कम हिदर सिरा मतलब कम हियर बॉय, ठीक है, इन पार्थिया डिड आई टेक दी प्रिजनर, ये सब याद करते रहना, एमसीक्यू पूछ सकता है, ठीक है, पार्थिया मतलब जिस जगह उसने उसको स्लेव बनाया था, दैट इज इन नॉर्दर्न ईरान राइट नाउ, ठीक है, तो बोल रहा है इन पार्थिया डिड आई टेक दी प्रिजनर, वहां पर मैंने तुमको अपना स्लेव बनाया था और वहां पर मैंने तुमको ऑप्शन दिया था, या तो तुम मेरी बात मानोगे या मैं तुमको मार दूंगा, ठीक है, तो तुमने कसम खाया कि मुझे मारो मत लेकिन आप जो बोलोगे मैं करूंगा, ठीक है, तो बोल रहा है एंड देन आई स्वेयर दी सेविंग ऑफ दाई लाइफ दैट व्हाटसोएवर आई डिड बिड दी डू, तो मैंने आपको बोला कि जो तुम बोलोगे जो मैं बोलूंगा वो तुम करोगे, ठीक है, दाउ शुडंट अटेम्प्ट इट, ठीक है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट तुम अपने आप को नहीं मारोगे, तुम सुसाइड नहीं करोगे, बाकी मैं जो बोलूंगा वो तुम करोगे और तुम मेरे लिए एक लॉयल बॉन्डमैन बन के रहोगे तभी मैं तुम्हारी लाइफ को छोड़ूंगा, ठीक है, और आज तुमको अपना वादा पूरा करना है, कम नाउ कीप थाइन ओथ, और जो तुमने स्वेयर किया था कि तुम मेरी सारी बात मानोगे आज तुमको अपना स्वेयरिंग जो है उसको क्या नाम है कीप करना है, बोला नाउ बी अ फ्री मैन, और आज से तुम आजाद हो, विद दिस गुड सोर्ड दैट रैन थ्रू सीजर बाउल्स सच दिस बूजम, बोल रहा है ये वो सोर्ड है जिससे मैंने सीजर को मारा था, अब इसी सोर्ड से तुम मुझे आज खत्म करोगे, ठीक है, स्टैंड नॉट टू आंसर, बोला कि रुको मत, हेजिटेट मत करो, ठीक है, Here, take thou the hilt. तुम इस हैंडल को पकड़ो, इस सोर्ड का हैंडल को पकड़ो, एंड वेन माई फेस इज कवर्ड एज इट इज नाउ गाइड दाउ द सोर्ड, और जब मेरा फेस कवर हो जाएगा, जब मैं अपना फेस कवर कर लूंगा, ठीक है, ये सोर्ड तुम मेरे अंदर घुसा देना, यू शुड किल मी, यू शुड स्टैब मी, ठीक है, ठीक है, तो पिंडारस बेचारा स्लेव है, जो बोला वही करना है, तो जैसे ही कैसियस ने अपना चेहरा छुपाया उसने पूरा का पूरा सोर्ड उसके अंदर डाल दिया, ठीक है, सीजर दाउ आर रिवेंज Even with the sword that killed thee. अब यहाँ पे कैसेस बोल रहा है सीजर तेरा रिवेंज पूरा हुआ, मैं भी उसी सोर्ड से मरा हूं जिस सोर्ड से मैं तुमको मारा था, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग अगर देखेंगे ध्यान से तो सीजर के जितने भी कॉन्स्पिरेटर्स है खास करके कैशियस ब्रूटस सब उसी सोर्ड से मरे हैं जिस सोर्ड से सीजर मरा है, तो यहाँ पर थ्योरी ऑफ रिवेंज वापस आ रहा है कि सीजर का जो घोस्ट है वो अपना रिवेंज ले रहा है, ठीक है, तो सीजर का पहला बदला पूरा हुआ, उसने कैशियस को मार दिया, ठीक है चलो पिंडारस, Pindarus, so I am free, yet would not so have been. Durst, I have done my will. O Cassius, far from this country, Pindarus shall reign, where never Roman shall take note of him. तो पिंडारस बोल रहा है अब तो मैं फ्री हो गया, मेरा मालिक तो मर गया, ठीक है, येट वुड नॉट सो हैव बीन, ठीक है, लेकिन मैं आई वॉन्ट टू बी फ्री लाइक दिस, हमेशा से मैं ऐसा ही फ्री होना चाहता था, ठीक है, Dust, I have done my will. ठीक है. Oh, Cassius, far from this country, Pindarus shall run. और मैं फ्री हूं और मैं फ्री रहना चाहता हूं. इसी के लिए Cassius, Pindarus रोम से भाग जाएगा क्योंकि रोम में कोई भी मुझे पकड़ेगा तो फिर से स्लेव बना लेगा. तो मैं ऐसी जगह भाग जाऊंगा जहां पर कभी भी रोमन्स मिलेंगे ही नहीं. ना मुझे रोमन्स मिलेंगे और ना मैं कभी दोबारा स्लेव बनूंगा. ठीक है. Where never Romans shall take note of me. मैं इस जगह से इतना दूर भाग जाऊंगा
कि कोई भी मुझे पकड़ नहीं पाए, सही करेगा वो, ठीक है, और वो वहां से भाग जाता है। इसके बाद टिटिनियस और मिसाला वहां पर आ रहे हैं, दे आर विक्टोरियस, दे आर वेरी हैप्पी, और वो लोग, हाँ यस जो लिटिल, Sir, you see how since Cassius has a bad eye, and then since Pindarus has a good eye, he asks him to look at him. Okay. Now, what if he knew that they were happy? Matlab, according to Cassius, he has good eyesight, na? So even if Cassius would have seen, he would have interpreted the same thing with his weak eye. Do you think Pindarus interpreted it? जानबूझ के रॉन्ग सो दैट ही कुड हैव बिकम फ्री एंड रन अवे फ्रॉम होम एंड बी फ्री फ्रॉम बॉन्डेज. नहीं, ये तो हाइपोथेटिकल है, ऐसा वो क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि कारण ये है कि ये जो पहले के स्लेव्स होते थे ना, ये लोग बहुत लॉयल होते, ठीक है, माने दे आर लॉयल टू द किंग, जैसे हम लोग का बाहुबली में वो नहीं था कटप्पा, है ना, तो इट वाज अ ट्रेंड उस टाइम, आने का ये ट्रेंड था, ठीक है, कि वो लोग जो स्लेव्स होंगे वो लॉयली बिहेव करेंगे, समझ में गया, दिस इज नॉट डन बाय इंटेंशनली, दिस इज मियर कोइंसिडेंस बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसा बोल सकता है ना, जैसा मालिक होता है वैसा ही उसका नौकर भी होता है, ठीक है, तो मालिक सस्पिशियस है तो वो भी वैसा ही सस्पिशियस है ना, देखो ये, लेकिन ये फैक्ट बात है, अगर आप ऑप्टिमिस्ट रहोगे तो आपका पूरा ग्रुप ऑप्टिमिस्ट रहता है ना, ये फ्रेंड सर्कल में भी होता है, अगर फ्रेंड सर्कल में कोई एक फ्रेंड है जो लीडर है, जो फ्रेंड का जो लीडर है वो थोड़ा सा ऑप्टिमिस्ट है और वो इज रेडी टू फाइट इट आउट, तो उसके पूरे सर्कल, उसकी टीम भी वैसी हो, लेकिन हम लोग ने कैशियस को देखा ना यहाँ पर, कि कैशियस ना तो बैटल फील्ड में लड़ रहा है, वो पहले ही भागा हुआ, ठीक है, उसके बाद अगर टिटिनियस को कुछ लोग पकड़े हैं तो कैशियस को जाके लड़ना चाहिए ना, और पिंडार जो जो टिटिनियस है वो तो बेसी दूर नहीं है, है ना, वो तो सामने ही है, वो तो ऐसा नहीं है कि बहुत दूर है, कैशियस आ नहीं सकता, तो अगर तेरे को लड़ना ही है तो तू जाके लड़, वहां पे जाके लड़, उनको मार और बचा अपने फ्रेंड को, तो कोई भी बहादुर आदमी तो वही करेगा ना, इफ योर फ्रेंड इज इन ट्रबल व्हाट विल यू डू, यू विल किल योरसेल्फ और यू विल गो एंड फाइट फॉर योर फ्रेंड, हाँ लड़ते लड़ते मर गए तो अलग बात है, मरते लड़ते लड़ते मर गए, दैट इज डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, बट यू विल गो एंड फाइट, बट दिस पर्सन इज नॉट फाइटिंग, तो यहाँ पे फॉल्ट पिंडारस की नहीं है, यहाँ फॉल्ट कैशियस की है, ठीक है, चलो री एंटर टिटिनियस एंड मिसाला, यस Missela. It is but change, Titinius, for Octavius is overthrown by noble Brutus's power, as his are by Antony. तो यहाँ पर मिसाला बोल रहा है कि ये हम लोग का बैटल तो चेस का गेम जैसा हो गया, ठीक है, खाली कॉर्नर चेंज हो गए, है ना, ब्रूटस हैज टेकन ओवर ऑक्टेवियस कॉर्नर और एंथनी हैज टेकन ओवर कैशियस कॉर्नर, ठीक है, तो माने अभी एक्चुअली बैटल 1:1 है, ठीक है, हम लोग ने भी एक को हराया और उसने भी एक को हराया, तो खाली हम लोग का जो बैटल फील्ड का जो पोजिशन है वो थोड़ा सा एक्सचेंज हो गया, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम, अच्छा इन लोगों को नहीं पता अभी कैशियस मर चुका है, ठीक है, और कैशियस को नहीं पता था कि ऑक्टेवियस हार चुका, ठीक है, चलो आगे टिटिनियस, Titinius, these tidings will well comfort Cassius. तो टिटिनियस यहाँ पे बोल रहा है ये जो न्यूज है ये कैशियस के लिए बहुत सही रहेगा, ठीक है, दिस न्यूज विल बी वेरी कंफर्टिंग टू कैशियस, ठीक है, चलो मिसाला, Where did you leave him? हाँ तो बोला तुम उसको कहां पर छोड़ा, ठीक है, चलो टिटिनियस, Titinius. All disconsolated with Pindarus, his bond man, on this hill. हाँ तो टीनेस बोल रहा है ऑल डिसकंसोलेटेड, मतलब और डेस्परेट छोड़ा मैंने उसको, वो बहुत परेशान लग रहा था, उसके स्लेव पिंडारस के संग इसी हिल पे मैंने उसको छोड़ा था, यहीं पर मैं उसको छोड़कर गया, मिसाला, Is not that he lies upon the ground? अब मिसाला दूर से देख रहा है, बोला ये जो गिरा हुआ वहां पे दिख रहा है तो कैशियस ही लग रहा है इसका, लेकिन माने ही इज लुकिंग लाइक कैशियस, बोला इज नॉट दैट ही लाइज अपॉन द ग्राउंड, मतलब जो वहां पे जो आदमी गिरा हुआ है वो तो कैशियस लग रहा है, चलो टिटिनियस Titinius, he lies not like the living, oh my heart. बोल रहा है गिरा हुआ तो दिख रहा है लेकिन लिविंग पर्सन जैसा रेस्ट नहीं कर रहा है, ही लुक्स लाइक अ डेड मैन, ठीक है, और टिटिनियस ऑब्वियसली ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ कैशियस, तो उसका डेड बॉडी देखकर ही गेट्स लिटिल लिटिल व्हाट इज हार्ट संक और वो बोलता है ओह माय हार्ट, ऑब्वियसली ही इज हार्ट ब्रोकन, बेसिक मिसाला, Is not that he? तो मिसाला बोल रहा है कि ये तो क्या नाम है कैशियस ही है, ये तो कैशियस ही है इसका बॉडी, टिटिनियस Titinius, no, this was he, Missala, but Cassius is no more. Oh, setting sun,
As in thy red rays thou dost sing tonight, so in his red blood Cassius day is set. The sun of Rome is set, our day is gone. Clouds, dews, and dangers come, our deeds are done. Mistrust of my success hath done this deed. तो टिटेनस बोल रहा है नो वो कैशियस है नहीं वो कैशियस था नो दिस वाज ही ये अब कैशियस का डेड बॉडी है मिसाला एंड कैशियस इज नो मोर ओ सेटिंग सन एज इन दाय रेड रेज दाउ डोस्ट सिंग टू नाइट सो इन इज रेड ब्लड कैशियस डे इज सेट तो यहां पर एक तो मेटाफर बता रहा है कि जैसे सन जब सेट होता है तो पूरा इवनिंग रेडिश हो जाता है और उसके बाद सन सेट होता है वैसे ही कैशियस का जो ब्लड है कैशियस की जो लाइफ है वो भी सेट हो गई उसके रेड ब्लड में माने कैशियस के पूरा बॉडी में ब्लड ही ब्लड है और उसका भी जो डे है उसकी जो लाइफ का डे है वो सेट हो गया तो यहाँ पे मेटाफर है कैश सन के रेड रेस से और रेड ब्लड ऑफ कैशियस ठीक है क्लाउड्स ड्यूज एंड डेंजर्स कम और डीड्स आर डन मिस्ट्रेस ऑफ माय सक्सेस हैज डन दिस डीड तो बोल रहा है वी आर आवर डे इज ओवर क्लाउड्स ड्यू एंड डेंजर्स अप्रोच बोला अब हमारा टाइम खत्म हो गया अब बैड टाइम्स आएगा डेंजर आएगा कहीं ना कहीं वो क्या नाम है उसको किंग मानता था कैशियस को अपना लीडर मानता था और एक बार जब लीडर मर जाता है तो जो बाकी की जो टीम होती है वो लोग बिल्कुल से क्या नाम है अपना डिसअपॉइंट हो जाते हैं उनको लगता है हमारा कुछ नहीं हो सकता तो बोला अब कैशियस मर गया तो अब हम लोग के लिए खराब दिन आने वाले हैं डेंजर आने वाला है ठीक है वी आर फिनिश्ड फिर बोलता है मिसट्रस्ट ऑफ माई सक्सेस हैज डन दिस डीड ठीक है तो इसका मतलब है कि ही डिडंट बिलीव ही आई वुड एवर रिटर्न ऑन माय मिशन एंड सो ही किल्ड हिमसेल्फ बोल रहा है कहीं ना कहीं कैशियस एब्सोल्युटली श्योर था कि हम लोग हारने वाले हैं और टिटेनियस जिंदा वापस नहीं आएगा इसी के लिए उसने अपने आप को मार दिया ही वाज फुल ऑफ पेसिमिज्म उसको कोई होप ही नहीं था ही वाज होपलेस इसी के लिए उसने हमको मार दिया तो मिसट्रस्ट ऑफ माय सक्सेस ही नेवर ट्रस्टेड दैट वी आर गोइंग टू विन इसी के लिए उसने सुसाइड कर लिया ठीक है मिसाला Mistrust of good success had done this deed. O hateful error, melancholy's child, why dost thou show the apt thoughts of men? The things that are not, O error soon conceived, thou never comest into a happy birth, but killest the mother that enraged thee. ओके okay, यहाँ पर भी एक बहुत ही अच्छा लाइन यहाँ पर मिसाला बोल रहा है मिस्ट्रस्ट ऑफ गुड सक्सेस हैज डन हिज डीड बोल रहा है बिल्कुल सही बात है कि जैसे मिस्ट्रस्ट ऑफ गुड सक्सेस मतलब आपने अगर ये मान ही लिया कि आपके संग अच्छा होगा ही नहीं जैसे मैं तुम लोग को मैथ्स का एग्जाम्पल बार बार दे रहा हूँ आई एम टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू से अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मैथ्स नहीं कर पाओगे साइंस आप नहीं कर पाओगे द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग नेगेटिवली वो आपका नेगेटिव हो जाएगा द मोमेंट यू थिंक कि नहीं मैं तो 99 लाऊंगा आई डू वेरी गुड इन मैथ्स मैं सारा पेपर क्रैक कर दूंगा मुझसे अच्छा कोई है ही नहीं तो रिजल्ट वैसा ही होगा ठीक है बोरा हेटफुल एरर मेलनकलीज चाइल्ड बोरा ये जो मिस्टेक है ये सैडनेस है ठीक है ये दुख की संतान है ये सैडनेस है व्हाई डज दाउ शो टू द एप्ट थॉट्स ऑफ मैन द थिंग्स दैट आर नॉट ठीक है तो बोरा कभी कभी जो सैडनेस होती है वो लोगों को वो सोचने पे मजबूर कर देता है जो कि वहां होता ही नहीं है ये बहुत अच्छी बात है जब लोग दुखी होते हैं जब लोग किसी पर शक करने लगते हैं या लोगों को किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता तो वो बहुत बार चीजों को अपनी तरह से इंटरप्रेट करते हैं और हर चीज को नेगेटिवली इंटरप्रेट करते हैं ठीक है कभी कभी मान लो कोई आपका फ्रेंड है उससे आपका झगड़ा हो गया ठीक है और आपको उस पर गुस्सा वो आपका अच्छा फ्रेंड था और झगड़ा हो गया ठीक है और आपका फ्रेंड असल में किसी और बात पे हंस रहा था या किसी और के संग हंस रहा था और आपने उसको हंसते हुए देख लिया तो आप क्या सोचोगे ये मुझ पर हंस रहा है ना अगर वो खुश हो रहा है तो आपको क्या लग रहा है कि देखो खुश हो रहा है अपनी दोस्ती टूट गई पर ये खुश हो रहा है आप क्योंकि आप नेगेटिव फेज में हो आप नेगेटिव थॉट प्रोसेस में हो आपको सब चीज नेगेटिव दिखेगा तो आपके ब्रेन में भी नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे ठीक है बोल रहा है ओ एरर सून कंसीव्ड दाउ नेवर कम ऑन टू अ हैप्पी बर्थ बट किल द मदर दैट एंजेंडर्ड दी बोल रहा है इस तरह का जब आपके मिसकैलकुलेशन दिमाग में आ जाता है माने टेक बर्थ इन योर हेड ठीक है जब आप गलत चीजें सोचने लगते हो जब आप गलत थॉट को बॉर्न हो जाता है आपके दिमाग में तो वो आपको ही मार देता है तो वो जो थॉट की मदर कौन है आप ही हो क्योंकि उस थॉट को आपने ही सोचा और फिर वो अपनी मदर को मार देता है माने जिसके ऊपर में नेगेटिव थॉट आता है वो ही मर जाता है कैशियस के नेगेटिव थॉट था कि वो कभी नहीं जीतेगा ये थॉट किसके पास आया कैशियस के पास आया और कैशियस को जो इंटरप्रिटेशन हुआ वो भी नेगेटिव लगा
और अल्टीमेटली मरा कौन? कैशियस ही मरा। तो कैशियस का ब्रेन ही मदर था उस नेगेटिव थॉट का, एंड इट किल्ड कैशियस इटसेल्फ। समझ में आ गई बात सबके? क्लियर हो गया? तो अपने दिमाग में कभी भी नेगेटिव थॉट मत लाओ, ठीक है? चलो, टिटेनियस। टिटिनियस, व्हाट पिंडारस, वेयर आर दाउ पिंडारस? अब टिटिनस बोल रहा है इसके बारे में, तो टोटल रिपोर्ट और आंखों देखा हाल तो पिंडारस से मालूम पड़ेगा, वही यहां पर आई विटनेस था। तो पिंडारस को ढूंढ रहा, कहां है पिंडारस, कहां है? पिंडारस भाग गया भाई साहब, वो आप कभी रोम में नहीं देखेगा, वो वीजा लेके भाग गया। कौन पागल है जो स्लेव बन के रहे? चलो मिसाला। मसाला, सीक हिम टिटिनियस whilst I go meet the noble Brutus. Thrusting his report into his ears, I may say thrusting it, for piercing steel and darts even normed And venom, and venomed shall be as welcome to the ears of Brutus as writings of this sight. तो मिसाला बोल रहा है, सी किम टिटिनियस वेल आई गो टू मीट द नोबल ब्रूटस। तुम बोल रहा है, तुम उसको टिटिनियस, तुम पिंडारस को ढूंढो, तब तक मैं जाके ब्रूटस के पास जा रहा हूं, और मुझे ये बहुत ही खराब न्यूज उसको देनी है, ठीक है? माने ये ऐसी न्यूज है जो मैं खाली सुना नहीं सकता, वो थ्रस्ट करनी पड़ेगी। माने ऐसा न्यूज जो कोई सुनना नहीं चाहता, जबरदस्ती सुनाना पड़ेगा, है ना? ब्रूटस नेवर वॉन्ट्स टू लिसन कि कैसियस मर गया, ठीक है? तो बोल रहा है मुझे थ्रस्ट इसके लिए करना पड़ेगा, क्योंकि ये न्यूज सुनने से तो अच्छा है कि ब्रूटस के मैं डार्ट घुसा देता, या मैं उसके कानों में कोई स्टील पियर्स कर देता, या उसके कान माने उसको मैं कोई माने पॉइजन वाला डार्ट उसके कान में मार देता, वो इससे अच्छा न्यूज होता। लेकिन कैसियस मर गया, दिस इज द मोस्ट बैड न्यूज विच आई कैन गिव टू ब्रूटस। तो ये बताना नहीं पड़ेगा, ये माने चुभाना पड़ेगा, ये जबरदस्ती का न्यूज उसको देना पड़ेगा, ठीक है? चलो टिटिनियस। Titinius, hi you, Missala, and I will seek for Pindarus the while. Exit, Missala. तो Why टिटिनस, didst thou? एक सेकेंड, टिटिनस बोल रहा है ओके, तुम जल्दी से जाओ मिसाला के पास, जब तक मैं यहाँ पर पिंडारस को ढूंढता हूँ, ठीक है? चलो, Why didst thou send me forth, brave Cassius? Did I not meet thy friend, did not they put on my brows this wreath of victory, and bid me give it thee? Didst thou not hear their shouts? Alas, thou hast misconstructed everything. But hold thee, take these garlands on thy brow. Thy Brutus bid me give it thee, and I will do bidding. Brutus, come apace, and see how I regarded Caius Cassius. My only gods, this is a Roman spot. Come Cassius's sword, and find Titinius' heart. ठीक है? तो यहाँ पर आप रोते रोते टिटिनस इज वेरी सैड हो रहा है, व्हाई डिड थाउ सेंड मी फोर्थ? तो वो कैशियस को बोल रहा, तूने मुझे भेजा ही क्यों, ठीक है? तू मेरे को क्यों भेजा ब्रेव कैशियस? डिड आई नॉट मीट दाई फ्रेंड? क्या तूने देखा नहीं कि मैं तेरे दोस्तों से मिला? एंड डिड नॉट दे पुट ऑन द ब्राउज दाई दिस रीथ ऑफ विक्ट्री? और क्या तूने देखा नहीं कि उन्होंने मुझे ये लॉरल ऑफ रीथ माने ये पूरा एक तो माने एक तरह से क्राउन, और इन्होंने मुझे एक तो क्राउन पहनाया, ठीक है? विच इज अ साइन ऑफ विक्ट्री। रीत मतलब होता है ना कि जैसे मिस इंडिया जब बनती है ना, तो हम लोग उसको पहनाते हैं ना, तो साइड में ऐसा लिखा हो रहता है मिस इंडिया 2022, है ना? इस तरह का एक तो क्या नाम है, हम लोग उसको एक तो शॉल टाइप का या एक तो ऐसा वो पहनाते हैं ना। तो वो चीज बोला, क्या तूने देखा नहीं उन्होंने मुझे रीत ऑफ विक्ट्री पहनाया? एंड बिड मी गिव इट दी, और मुझे उन्होंने बोला कि ये ले जाके मैं कैशियस को दूं एज अ साइन ऑफ विक्ट्री। डिड थाउ नॉट हियर देयर साउंड्स? क्या तुमने सुना नहीं वो लोग कितना एक्सल्ट कर रहे थे, कितना खुशी मना रहे थे, हिपी फुर्रा बोले थे, तुमने सुना नहीं ऐसा? लेकिन आई थिंक Thou have misconstrued everything. तुमने सब कुछ को मिस रिप्रेजेंट कर लिया, मिस कंस्ट्रक्शन कर लिया, हर चीज को तुमने गलत समझ लिया, मिस इंटरप्रेट कर दिया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, होल्ड ही टेक दिस गार्लैंड ऑन थाई ब्राउ। तो ये जो गार्लैंड है, अब मैं ये तुमको पहनाता हूं, विक्ट्री गार्लैंड। द ब्रूटस बिड मी गिव इट दी, माने ब्रूटस ने मुझे ये गार्लैंड दिया था तुमको देने के लिए, बिकॉज हम लोग विक्टोरियस हो रहे थे, और अब मैं तुमको जैसे ब्रूटस ने बोला वैसे ही मैं तुमको ऑनर कर रहा हूं, तुमको ये गार्लैंड पहना रहा हूं, ठीक है? फिर वो बोलता है, ब्रूटस कम अपेस एंड सी हाउ आई रिगार्डेड कैशियस। बोला ब्रूटस, जब तुम यहाँ पर आओगे कैशियस की बॉडी के पास, तब तुम देखोगे कि किस तरह से मैंने उसको रिस्पेक्ट दिया है। लेकिन अब बाय योर लीव गॉड्स दिस इज रोमन पार्ट, कम कैशियस सोड एंड फाइंड टिटिनियस हार्ट। तो बोल रहा है बस अब मैं रोमन्स की तरह बिहेव करूंगा जैसे रोमन करते हैं, ठीक है? ये वही सोड है रोमन, कम कैशियस हो, कैशियस का जो सोड है उसी से मैं अपने आप को मार लूंगा। अब देखो कैसियस का सोड ही सीजर को मारा था,
सीजर उसी सोर्ड से कैशियस मरा, अब कैशियस के सोर्ड से ही अपने आप को मार रहा है, तो ऐसा लग रहा है सीजर सबसे बदला ले रहा है, सीजर का सोर्ड ही सबको मार रहा है एक एक कर। समझ में आ गया बात को? कोई प्रॉब्लम? तो ही किल्स हिमसेल्फ, ठीक है। अलार्म री एंटर मिसाला ब्रूटस कैटोस फैटो वॉल्यूमियस एंड लूसीडस, बाकी सब टीम भी आ रहे हैं यहाँ। चलो ब्रूटस, वेर वेर मसाला डॉट हिज बॉडी लाई. तो ब्रूटस बेचारा रोते हुए बोल रहा, रो तो नहीं रहा लेकिन बड़ा अपसेट है, बोला कहाँ है उसकी बॉडी, कहाँ है मिसाला? मिसाला रो योंडर एंड टिटिनियस मूर्निंग इट. बोल रहा फार फार वहां पर, और वहां पर टिटिनियस जो है वो उसकी बॉडी के ऊपर दुख दिखा रहा है, मोन कर रहा है ब्रूटस। टिटिनियस फेस इज अपवर्ड. यंग कैटो ही स्लेन, ब्रूटस बोल रहा है इसका चेहरा ऊपर की तरफ है, तो ये इसका ये डेड बॉडी है, ये माने जो कैसे था बॉडी है, इट लुक्स लाइक अ डेड बॉडी। कैटो बोला यस ही इज स्लेड, क्या वो मर गया ब्रूटस। ब्रूटस ओ जूलियस सीजर दाओ आर्ट माइटी येट दाई स्पिरिट वॉक्स अब्रॉड एंड टर्न्स आर स्वॉर्ड्स इन आर ओन प्रॉपर तो एंट्रेल्स. ब्रूटस यहाँ पे बोला ओ जूलियस सीजर डाउ आर माइटी येट, तुम अभी भी बहुत पावरफुल हो, डाई स्पिरिट वॉक्स, तुम्हारा स्पिरिट अभी भी जिंदा है और वॉक कर रहा है अब्रॉड, और हमारे सोर्ड को हमारे ही स्टमक में घुसा दे रहा है, ठीक है। एंड टर्न्स आवर सोर्ड इन आवर प्रॉपर एंट्रेल्स, हमारे ही स्टमक में हमारा ही सोर्ड वो एंटर करा दे रहा है। यंग केटो, ब्रूटस Brave Titinius, look where they have not crowned dead Cassius. हाँ, तो यहां पर केटो बोला टिटिनियस को देखो मरने से पहले उसने कैशियस को पूरा क्राउन करके गया था, ठीक है, देखो तो उसने उसको क्राउन पिलाया। अब ब्रूटस क्या बोल रहा है, आर येट टू रोमन्स लिविंग सच एज दीज द लास्ट ऑफ ऑल रोमन्स फेयर दी वेल, ठीक है। तो बोल रहा है यू आर टू रोमन्स, ठीक है, ऐसा रोमन्स कभी वापस से रोम में पैदा नहीं होगा, यू आर लास्ट ऑफ द रोमन्स, ठीक है, तो अब ऐसा रोम में नहीं आएगा। इट इज इम्पॉसिबल डेट एवर रोम शुड ब्रीड डाई फॉलो, बोल रहा है रोम में इस तरह के ब्रेव सोल्जर्स वापस कभी नहीं आएंगे। फ्रेंड्स आई ओ यू मोर टीयर्स टू दिस डेड मैन देन यू शैल सी मी पे, अब ये बाकी की टीम को बोल रहा है कि तुम लोग मुझे रोता हुआ नहीं देख रहे हो, अभी टाइम नहीं है रोने का, मेरे पास कैशियस के लिए बहुत टीयर्स हैं लेकिन अभी अभी उस टीयर्स को यूज नहीं करना, उसको फ्लो नहीं करना है, आई शैल फाइंड टाइम, जब टाइम मिलेगा तो मैं कैशियस के लिए रोऊंगा, कैशियस आई शैल फाइंड टाइम, कैशियस मैं एक दिन तेरे लिए जरूर रो। कम देयरफॉर एंड टू थासोस सेंड हिज बॉडी, नाउ ब्रूटस यहाँ पर अपने फ्रेंड्स लोग को बोल रहा है कि डोंट, मैं अभी जितना मुझे रोना चाहिए था अभी मैं उतना नहीं रो रहा हूं, और उतना मैं अभी आपको रो के दिखाऊंगा भी नहीं, ठीक है। देर आर लॉट ऑफ टीयर्स फॉर कैशियस बट आई शैल फाइंड टाइम, और हम लोग कैशियस की बॉडी को थैसोस भेज देंगे, ठीक है। थैसोस जो है दैट इज एन आईलैंड ऑफ फिलिपी, ओके, जहां पर कैशियस को बरी किया गया था। नाउ क्वेश्चन है उसको वहां क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि अगर उसकी डेड बॉडी को कैंप में रखेंगे तो सोल्जर्स लोग देख लेंगे कि उनका वन ऑफ द जो लीडर है उनका डेथ हो गया है, तो दे विल गेट डीमोटिवेटेड, है ना, तो उसकी बॉडी को थोड़ा सा दूर रखेंगे जिससे बाकी लोग डीमोटिवेट नहीं हो जाए, ठीक है। तो हम लोग उसकी बॉडी को थैसोस भेज देंगे, हिज फ्यूनरल शैल नॉट बी इन आवर कैंप, उसका फ्यूनरल हमारे कैंप में नहीं होगा, वो बॉडी को भी हम वहां नहीं रखेंगे, लेट इट डिसकम्फर्ट अस, वहां पर उसकी बॉडी रहेगी तो हम लोग भी इमोशनल रहेंगे, हम लोग को भी दुख होगा, बाकी लोग भी जो है वो डीमोटिवेट होंगे, तो यहां से हटा दें। लुसिलियस कम, बोला चलो लुसी से चलते हैं, कम यंग केटो, केटो चलो चलते हैं, लेट अस टू द फील्ड, और हम लोग तो फाइनल बैटल के लिए वापस चलते हैं। लेबियो एंड फ्लेवियस सेट आर बैटल्स ऑन, माने तुम हम लोग के ट्रिप्स को लीड करो, तुम लोग आगे जाओ, एंड वी आर गोइंग फॉर अ लास्ट बैटल, ओके। इट इज 3 o'clock एंड रोमन्स येट बिफोर आइट नाइट, वी शैल ट्राई फॉर्च्यून इन अ सेकेंड फाइट, और अभी 3 बजा है, 3 o'clock इन द आफ्टरनून, और आज रात से पहले एक फाइट और होगा, और शायद हम एंथनी को हरा पाए, और अगर हम एंथनी को हरा पाएंगे तो फॉर्चून जो है टाइड टर्न होगा, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट नाउ टू डिफीट एंथनी बिकॉज एंथनी इज अ फॉर्मिडेबल एनिमी, और प्लस अब उसके संग ऑक्टेवियस भी होगा, और इसके जो कैंप है ये वीक हो जाएंगे क्योंकि सीजर अब नहीं होगा, ओके। सो दे वॉन्ट टू ट्राई द दे वॉन्ट टू गो फॉर द लास्ट टाइम एंड ट्राई टू फाइट द बैटल, सो दिस इज एक्ट 5 सीन 3 फॉर यू, ओके okay, सबके लिए हमने एक्सप्लेन कर दिया। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी डाउट हो, आप कम्युनिटी में डालिए, इसके नोट्स भी तो आपको मिल जाएंगे ऐप में, सो जस्ट कीप इन टच, ओके।